السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. जी, सबसे पहले तो आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक लिसानुल कुरान बेसिक कोर्स के सबक नंबर 22 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस क्लास का बतौर ख़ास कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो अल्लाह के फजल से अब तक हम फेल माजी मारूफ, फेल मुजारी मारूफ, इसके साथ साथ जमायर, जमायर का इस्तेमाल इस्म फेल हर्फ के साथ हम सीख चुके हैं, और इसके साथ साथ हमने फेल माजी मजहूल और मुजारे मजहूल भी सीखा, और आपने इस पे प्रैक्टिस की, काम भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको क्लियर हो गया। बारकल्लाहु फीकुम अजमाईन। तो ये स्लाइड क्लियर है आप सबको, आगे बढ़ते हैं हम। ये स्लाइड भी आपको क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अब हम आते हैं आज के सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है हुरूफ नाफिया। ठीक है, हुरूफ़े नाफिया। जैसा कि हमने फेल की अकसाम पढ़ी, कभी हमने माजी मारूफ पढ़ा, कभी मुजारे मारूफ पढ़ा, कभी हमने माजी मजहूल और कभी मुजारे मजहूल पढ़ा। ठीक है, तो आज हम फेल के मुस्बत और मनफी होने के हिसाब से पढ़ेंगे हुरूफ़े नाफिया। नाफिया नफी से है, तो नफी की आपको समझ आ गई होगी कि क्या माना है, यानी ऐसे हुरूफ के जब वो किसी फेल से पहले आते हैं तो फेल को मनफी के माना में कर देते हैं, नफी के माना में कर देते हैं, फेल को मनफी बना देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो वो चार हुरूफ हैं, मा ला लम लन। ठीक है, ये चार हुरूफ हैं, जब ये फेल माजी या मुजारे से पहले आते हैं तो मुजारे मुसबत को मुजारे मनफी बना देते हैं। मुसबत का माना होता है ऐसा फेल जिसमें किसी काम के होने की खबर दी जाए, और फेल मनफी से मुराद ऐसा फेल है जिसमें ये खबर दी जाए कि फलां काम नहीं हुआ। ठीक है, यानी किसी काम के ना होने की खबर दी जाए तो मनफी, किसी काम के होने की दी जाए तो मुसबत। अब तक हमने मुसबत फेल पढ़े, आज हम इंशाअल्लाह मनफी फेल देखेंगे। तो ये चार हरूफ हैं जो फेल मुसबत को मनफी बना देते हैं। अब हमने इसमें से देखना ये है कि कौन सा हर्फ किस फेल के लिए इस्तेमाल होता है और उस फेल में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। एक तो ये हर्फ लिखे होते हैं ना हमारे सामने, लफ्ज लिखे होते हैं, तो इन हरूफ की वजह से कभी तो सिर्फ फेल के माना में तब्दीली होती है, और कभी किसी हर्फ की वजह से फेल के अल्फाज में भी तब्दीली होती है और मानी में भी तब्दीली होती है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले है मा। ठीक है, मा, मा कब नाफिया का बनता है, मा कब फेल को नफी बनाता है, और कौन से फेल को, तो जब मा फेल माजी से पहले आता है। ठीक है, जब मा फेल माजी से पहले आता है तो माजी मुसबत को मनफी बना देता है। जैसे मिसाल है नसारो, उसने मदद की, यानी अब यहाँ मदद करने का काम बताया गया है ना, काम बताया गया है ना, क्या काम था, मदद करना। इसका मतलब है कि इस फेल में काम के होने की खबर दी गई है, तो ये फेल हो गया मुसबत। फिर जब हमने मनफी बनाना है तो कुछ भी नहीं किया इसको, सिर्फ इसके शुरू में यानी फेल माजी से पहले हम हर्फ मा बढ़ा देंगे, मा नसारो, तो मा का माना हो गया नहीं, तो क्या माना हो गया, उसने मदद नहीं की, यानी मदद करने का काम नहीं हुआ।
तो ये ऐसा फेल है मा नसारो जिसमें ये बताया गया है कि फलां काम हुआ नहीं है। तो ऐसा फेल जिसमें काम के ना होने की खबर दी जाए वो है फेल मनफी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं माजी मनफी की, ठीक है। माजी मनफी, माजी मनफी कैसे बनता है? माजी मनफी माजी मुसबत से बनता है। बस माजी मुसबत के शुरू में मा लगा दे तो वो माजी मनफी बन जाता है। मा नसारा उसने मदद नहीं की, मा दहबा वो नहीं गया, मा रजाका उसने नहीं दिया। तो यूं ये नासारा है तो पूरी गर्दान नासारा की आ जाएगी, ठीक है। तो ये माजी मजहूल, सॉरी माजी मनफी बन जाएगा। फिर उसके बाद ला, ठीक है, दूसरा हर्फ है नफी हमारे पास है ला। जैसे माँ का माना नहीं तो ला का माना भी है नहीं। ला का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये फेल मुजारे से पहले आता है और मुजारे मुसबत को मुजारे मनफी में बदल देता है। यानी जब हमने फेल मुजारे को नेगेटिव में लेके जाना है तो फेल मुजारे से पहले हर्फ ला का इजाफा करते हैं, बाकी पूरी की पूरी गर्दान वैसे ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानी में फर्क पड़ता है ना, कि पहले था यन सुरु वो मदद करता है, फिर मनफी बनाया तो ल यन सुरु वो मदद नहीं करता है। यूं माँ जब माजी से पहले आया तो उसने माजी को मुसबत को मनफी बनाया, लेकिन इसके साथ अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं आई, अलबत्ता मानी में तब्दीली आई है। ला ला भी ऐसे ही ला मुजारे को मुजारे मुसबत को मुजारे मनफी बनाता है। तो ला की वजह से फेल मुजारे के अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं लेकिन मानवी तब्दीली है, करने से ना करने का मफहूम हो जाता है। यन सुरु वो मदद करता है, ला यन सुरु वो मदद नहीं करता है। फिर हरूफे नाफिया में से थर्ड लेटर लम। अब देखिए लम का क्या अमल है? लम का अमल मा और ला से थोड़ा चेंज है, ठीक है, इस पे आपकी तवज्जो की जरूरत है। हाँ जी, लम लम कहाँ पर इस्तेमाल होता है और ये क्या अमल करता है? लम फेल मुजारे से पहले आता है, ठीक है। लम कहाँ इस्तेमाल होता है? फेल मुजारे से पहले आता है, फिर वो मुजारे मुसबत को माजी मनफी में बदल देता है। मुजारे मुसबत को माजी मनफी, ये चीज काबिले गौर है, ठीक है। लम फेल मुजारे से पहले आता है और मुजारे मुसबत को माजी मनफी, मुजारे मुसबत उसको माजी मनफी में बदल देता है, ठीक है। और फेल मुजारे को आखिर से साकिन कर देता है और तमाम नून गिर जाते हैं सिवाय जमा मोनस के। यानी जब हम मुजारे की गर्दान पढ़ते हैं ना तो उसमें कितने सीगों में नून आता है? जैसे तस्निया के चार सीगे होते हैं, चारों में नून आता है ना। जैसे यन सुरु था तो यन सुरानी, तन सुरानी, तन सुरानी, तन सुरानी, तन सुरानी, तन सुरानी 3 बार इस्तेमाल होता है ना, और 1 बार यन सुरानी। 4 सीगे हो गए, फिर 2 सीगे जमा मुजक्कर के, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर हाजिर, यन सुरूना तन सुरूना, फिर 1 सीगा वाहिद मोनस मुखातब का तन सुरीना, फिर 2 सीगे जमा मोनस के गायब और मुखातब यन सुरना तन सुरना, है ना। तो इस तरह से कुल 9 सीगे होते हैं मुजारे के जिनके आखिर पर नून आता है। तो जब फेल मुजारे से पहले हर्फ लम आ जाता है, ठीक है, लम, तो लम फेल मुजारे में 2 तरह की तब्दीलियां करता है, एक लफ्जी तब्दीली, दूसरा मानवी तब्दीली। लफ्जी तब्दीली क्या है? लफ्जी तब्दीली ये है, लम की वजह से फेल मुजारे के जिन सीगों के आखिर पर पेश होता है ना
पांच सीगे हैं जिनके आखिर पर पेश होता है यन सुरु, तन सुरु, तन सुरु, अन सुरु, नन सुरु। यानी कौन कौन से सीगे? वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मोनस गायब, फिर वाहिद मुजक्कर मुखातब, और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ऐसे ही है ना, ये पांच सीगे हैं जिनके आखिर में पेश आता है लेकिन लम की वजह से पेश खत्म हो जाता है, हर्फ आखिर से साकिन हो जाता है और तमाम नून गिर जाते हैं। नौ सीगों में जो नून आते हैं ना, उसमें से सात सीगों के नून हज़्फ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जमा मोनस के नून बाकी रहते हैं। जमा मोनस गायब और मुखातब दोनों का नून बाकी रहता है। जैसे कि मिसाल आपके सामने है। अच्छा, ये तो इसकी ना लफ्जी तब्दीली हो गई थी ना, लफ्जों में तब्दीली। मानवी तब्दीली, मुजारे मुसबत, हमने पढ़ा कि मुजारे में दो जमाने होते हैं, हाल और मुस्तकबल, है ना, मौजूदा और आने वाला। लेकिन जब फेल मुजारे से पहले लम आ जाता है तो मुजारे का माना माजी मनफी में चला जाता है। जैसे कि मिसाल है, यन सुरु वो मदद करता है, ठीक है, यन सुरु वो मदद करता है। फिर हमने फेल मुजारे के शुरू में लम लगा दिया तो लम यन सुर, क्यों? क्योंकि आखिर से पेश लम की वजह से हज़्फ़ हो जाती है। ये हो गई इसकी लफ्जी तब्दीली, लम यन सुर। और मानवी क्या है? उसने मदद नहीं की, यहां पर है वो मदद करता है, ठीक है, करता है या करेगा, ये फेल मुजारे का माना। लेकिन जब मुजारे से पहले लम आ गया तो उसने से माजी मनफी में बना दिया। याद है ना, फेल माजी के उर्दू फकरात के आखिर पर छोटिए, बड़िए और अलिफ के हुरूफ होते हैं। आपने देखा, हमने यहाँ पढ़ा था मा नसारा, उसने मदद नहीं की, यहाँ भी लम यंसुर, उसने मदद नहीं की, ठीक है। तो ये लम जो है मुजारे से पहले आता है, उसमें दो तरह की तब्दीलियां करता है, मानवी और लफ्जी। मानवी क्या तब्दीली है? मुजारे मुसबत को माजी मनफी में बदल देता है, ये इसकी मानवी तब्दीली, यानी माना बदल देता है उसका, है ना। और लफ्जी लफ्जी तब्दीली क्या है? मुजारे के आखिर से पेश को खत्म कर देता है, हर्फ को साकिन कर देता है, जिन सीगों में नून आता है उन सारे सीगों का नून हज़्फ़ हो जाता है सिवाय जमा मुअन्नस के नून के, ठीक है। फिर हुरूफे नाफिया चौथा हर्फ है लन। अब हम इसको देखेंगे तो जैसे लम ये दो तरह से तब्दीली की इसने, ऐसे ही लन ये भी दो तरह से तब्दीली करता है, और ये भी फेल मुजारे से ही पहले आता है, ठीक है। फेल मुजारे से पहले आता है मुजारे मुसबत को मनफी मुस्तकबल, तवज्जो तलब, मुजारे मुसबत को मनफी मुस्तकबल के साथ खास कर देता है और माना में ताकीद पैदा करता है। यानी वो ये बताता है मुस्तकबल में ये काम किसी तौर नहीं होगा, किसी सूरत में ये काम नहीं होगा। जैसे हम भी कहते हैं मैं तो ये हरगिज नहीं करूंगी, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, है ना। तो वहां पर फेल मुजारे ही इस्तेमाल होगा लेकिन उससे पहले हर लन इस्तेमाल होता है। तो यूं लन फेल मुजारे के माना में तब्दीली क्या करता है? मुजारे मुस्बत, यानी मुजारे में दो जमाने हैं ना, हाल और मुस्तकबल, लेकिन लन की वजह से सिर्फ मुस्तकबल के साथ खास हो जाता है, वो भी मनफी में, मनफी मुस्तकबल के साथ खास कर देता है और माना में ताकीद पैदा करता है। फिर इसकी लफ्जी तब्दीलियां क्या होती हैं? फेल मुजारे के आखिर पर जबर देता है, किन सीगों में? आम सूरत में फेल मुजारे के जिन पांच सीगों पर पेश होता है, लन आने की वजह से उन पांच सीगों के पेश को जबर में बदल दिया जाता है। लम क्या करता है? पांच सीगों पर आने वाला पेश खत्म हो जाता है, हर्फ साकिन हो जाता है, लेकिन लन ये क्या करता है? ये पांच सीगों पर आने वाले पेश को जबर में बदल देता है और तमाम नून गिर जाते हैं सिवाय जमा मोनस के। यानी जैसे ऊपर हमने यहां पढ़ा
के 9 सीगों में जो नून आता है उनमें से 7 सीगों का नून हज्फ हो जाता है, लेकिन जमा मोनस गायब और जमा मोनस मुखातब इनका नून बाकी रहता है। जो नून हज्फ हो जाते हैं उनको कहा जाता है नूने इराबी। ठीक है, नूने इराबी। इराब का माना क्या होता है? किसी भी कलीमे के आखिरी हर्फ की हालत का बदलना, यानी कभी उस पर जबर आ गया, कभी जेर, कभी पेश, कभी जज्म, है ना, कभी कोई हरूफ हजफ हो गया, इसको एराब कहते हैं। तो चूंकि जो नून बाज सूरतों में खत्म हो रहे हैं, बाज में नहीं हो रहे ना, यानी अगर फेल मुजारे से पहले ना तो लम आ रहा है ना लन आ रहा है, तो फिर वहां से नून खत्म नहीं होते। जैसे हमने फेल मुजारे सीखा है ना, सिंपल, उसमें नून अब मौजूद रहते हैं ना, लेकिन लम और लन की वजह से गिर गए हैं, इसलिए हम इसको नूने इराबी कहते हैं। तो यूं फेल मुजारे में 7 सीगों का नून नूने इराबी है और 2 सीगे जमा मोनस के, मोनस गायब और मुखातब, इनका नून मबनी। मबनी का माना है कि जैसे इनको बनाया गया है ना, इन्होंने वैसे का वैसे रहना है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक, जैसे ये आपके सामने मिसाल है, ये है यन सुरु, माना वो मदद करता है या करेगा। ठीक है, मुजारे में आमतौर पे दो ही जमाने होते हैं ना, हाल और मुस्तकबल। यन सुरु वो मदद करता है, फिर इसके शुरू में आ गया लन, तो इसने क्या अमल किया? लई यन सुरा। यही पढ़ा हमने कि जिन 5 सीहों के आखिर पर पेश होता है ना, लन की वजह से वहां जबर आ जाता है। और माना में मुस्तकबल मनफी का माना और ताकीद पैदा होती है, यंसुरु वो मदद करता है, लई यंसुरा वो हरगिज मदद नहीं करेगा। ठीक है, वो हरगिज मदद नहीं करेगा। तो इसी तरह आप इसकी पूरी गिरदान बना सकते हैं, सिर्फ जहां जहां नूने इराबी आ रहे हैं उनको खत्म करना है, और जहां पर मुजारे में आम हालात में पेश आता है उनको जबर लगा देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। अभी कोई कमी बेशी है तो इंशाअल्लाह हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आसान हो जाएगा। बाकी हम कुछ यहाँ भी कोशिश करते हैं, कुछ मैंने माजी के कलिमात लिखे हैं, कुछ मुजारे के। ठीक है, तो अब ये है ज़रबा, उसने मारा, हम इसको अब कैसे वजाहत करेंगे इसकी कि ये कौन सा फेल है? अब हम यहाँ पर बोलेंगे फेल माजी मारूफ मुस्बत, क्योंकि आज हमने मुस्बत और मनफी का भी फर्क देख लिया। तो जब हम किसी फेल की वजाहत करेंगे तो अब ये सारा बताएंगे, फेल माजी मारूफ मुस्बत और सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, फिर इसका माना उस एक मर्द ने मारा। अब हमने क्या करना है, इसको माजी मनफी में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? मा ज़रबा कौन सा फेल हो गया अब? मा ज़रबा ये कौन सा फेल हो गया? फेल माजी मारूफ मनफी, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, माना उस एक मर्द ने नहीं मारा। तो इसी तरह आप इसकी पूरी गर्दान बनाएंगे। कौन बनाएगा आप में से? जी मुंतहा बेटा, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आप बनाइए इसकी गिरदान ज़राबा से माजी मनफी। अच्छा ठीक है। माँ जरा बा मतलब भी बताऊँ साथ? बता ले तो अच्छी बात है, ठीक है, वाजे हो जाएगा। ठीक है। माँ जरा बा उस एक मर्द ने नहीं मारा। माँ जरा बा उन दो मर्दों ने नहीं मारा। अच्छा माँ बेटा, जरा मा बा जारा बा ये कौन सा सीगा होगा? तस्निया मुजक्किर गायब का ठीक है, और फेल कौन सा है? फेल माजी मारूफ और मुस्बत होगा। नहीं, मुस्बत नहीं होगा, मनफी होगा। मनफी होगा। ठीक है, मनफी होगा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ठीक है। जरा बू उन सब मर्दों ने नहीं मारा। ये होगा जमा मुजक्किर गायब फेल माजी मारूफ मनफी।
ठीक फिर जराबत ये वाहिद मोनिस गायब होगा, फेल माजी मारूफ मनफी ये होगा कि उस एक औरत ने नहीं मारा, जराबता बेटा उन दो जरा बताओ। जरा बता उन दो औरतों ने नहीं मारा, ये तस्निया मोनिस लेकिन गायब। आपने इसमें मान ही लगाया बेटा। सॉरी सॉरी, माँ जरा बता उन दो औरतों ने नहीं मारा, ये होगा तस्निया मोनिस गायब, फेल माजी मारूफ मनफी, और फिर जमा मोनिस गायब होगा माँ जरब ना, और फिर उन सब औरतों ने नहीं मारा। फिर आए मुखातिब है तो जरा बता ये वाहिद मुजक्किर मुखातिब है, हाँ तो ये दोबारा से होगा कि बोलिए बेटा, हम मनफी पढ़ रहे हैं ना, मनफी कैसे बनेगी? माँ जरा बता माँ, आप सीखा दोबारा बोले बेटा। माँ, माँ जरा बता हाँ माँ जरा बता। ठीक है, माँ जरा बता तू एक मर्द नहीं मारा, गुड। माँ जरब तुमा तुम दो मर्दों ने नहीं मारा, माँ जरब तुम सब मर्दों ने नहीं मारा, माँ जरब ती तुम एक औरत ने नहीं मारा, माँ जरब तुमा तुम दो औरतों ने नहीं मारा, माँ जरब तुन्ना तुम सब औरतों ने नहीं मारा, माँ जरब तू मैं एक औरत या मर्द ने नहीं मारा, और माँ जरब ना मैं एक या हम दो मर्द या औरत या हम सब मर्द या औरतों ने नहीं मारा। वेरी गुड, शाबाश, माशा अल्लाह, बारक अल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। बहुत जबरदस्त बेटा, जजाक अल्लाह, बारक अल्लाहु फीक। जी अब हम देखते हैं बाकी जो नासरा जहाब है ना, ऐसे ही इन दोनों के साथ मा लगा के तो इनको माजी मनफी बनाना है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मुजारे यस्माउ। सबसे पहले ये बताइए यस्माउ ये कौन सा फेल है? जी सुमेरा, आप कीजिए माइक ओपन। जी ये फेल मुजारे हैं, फेल अब आपने मुजारे मारूफ मुस्बत। शाबाश, फेल मुजारी मारूफ मुस्बत, वेरी गुड। कौन सा सीगा है? ये वाहिद मुजक्कर गायब का। सही। अब हमने इसको फेल मुजारे मारूफ मनफी बनाना है, तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, ला लगा देंगे इससे पहले, शाबाश, ठीक है। लम भी लगा सकते हैं और लन भी लगा सकते हैं, नहीं, अभी मैंने बोला आपने इसको सिर्फ मुजारे ला। मनफी, हाँ मुजारे मनफी बनाना है ना, तो उसके लिए सिर्फ ला। अच्छा, तो लम और लन का भी तो मीनिंग सेम होते हैं ना, नहीं के ही होते हैं। नहीं के तो होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा ना लम जो है मुजारे को माजी मनफी में बदल देगा। ठीक है, और जी लन मनफी मुस्तकबल के साथ खास करता है। ठीक है, सही। तो सिर्फ मनफी में ला आएगा, हाँ, मुजारे मनफी में सिर्फ ला आएगा। मुजारे मनफी में। ठीक है, तो ला यस्माउ, सही। अब ला यस्माउ ये कौन सा फेल बन गया? ये फेले मुजारे मारूफ मनफी। ठीक, अब आप इसकी गिरदान कीजिए। ला यस्माउ, ला यस्माउनी, ला यस्माउना, ला तस्माउनी, ला तस्माउना, ला तस्माउ, ला तस्माना, ला यस्माउना, ला सही। यस्माउना, जमा मोनस गायब। अब ला तस्माउ, ला तस्माउनी, ला तस्माउना, ला तस्माइना, ला तस्माउनी, ला
تسمعنا. لا أسمع، لا نسمع. सही. لا نسمع क्या माना है इसका؟ لا يسمع، نسمع نسمع. نسمع. هم دو عورتوں نے، یا هم دو مردوں نے مرد نہیں سنتے. हाँ, सिर्फ ये तस्दीक के लिए इस्तेमाल होगा. नहीं, जमा के लिए भी दोनों, या दोनों बोला है ना, हम दो मर्द, या हम सब मर्द, या हम सब औरतें, या हम दो हाँ, औरतें, क्योंकि नहीं सुनते. दो तस्दीक के लिए होता है. ठीक है, अब आपका जी सही हो गया. बहुत शुक्रिया आपका. जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फसीद. अच्छा, सबा सुना सकती हैं? अच्छा ठीक है, अब हमने दो और रूफ पढ़े, लम और लन. अब लम का क्या अमल है सुमेरा, आप बताइए लम का क्या अमल है? लम जो है ये फेले मुजारे, पहली बात ये फेले मुजारे से पहले आता है, और फेले मुजारे मुस्बत को माजी मनफी में बदल देता है. मतलब वो मदद करता है तो उसने मदद नहीं की, ऐसा. और ये आखिरी हर्फ जो होता है फेले मुजारे का, उसको वो साकिन कर देता है. जैसे यंसुरु है या यस्माउ है, तो यस्मा हो जाएगा, आइन जो है वो साकिन हो जाएगा. और क्या तब्दीलियां होगी? और तमाम नून जो है वो गिर जाते हैं, सिवाय जमा मोनस के, तमाम नून गिर जाते हैं. तो टीचर वो वाली एग्जाम्पल बता दें दोनों की ना, लम की और लन की, जो नून जिसके एंड में आते हैं. जैसे यही ले लें, यस्मा आनी है, जैसे जैसे तो ये हो यस्मा जाएगा. आनी, हाँ, तो ये हो तो ये इसका जाएगा कैसे बनेगा? लम लम. लम यस्मा, सिर्फ नून गिरेगा. ठीक है, लम यस्मा लम तस्मा. ठीक, इसी तरह जमा मुजक्कर के सीगे ले तो लम यस्माउ लम तस्माउ. वाउ रहेगा बाकी. ठीक है, वाउ के बाद हम एक अलिफ का इजाफा कर देंगे. तो मुंतहा बेटा, आप बताइए, हमने एक चौथा हर्फ सीखा है लन, तो लन का क्या अमल है? लन फेल मुजारे से पहले आता है, वो क्या नाम है, फेल मुजारी मुजारे मुस्बत को मुस्तकबिल मनफी में बदल देता है, और किसी जिस तरह कोई मानिया तो उसमें बहुत ज्यादा जोर पैदा करता है. और शाबाश, जो फेल मुजारे उसके आखिर में जो भी हर्फ पर जब पेश आता है उसको जबर में बदल देता है. गुड. और इसमें एक नून वाली बात और भी है ना. नून साकिन होते हैं सारे, साकिन नहीं बेटा, नूने सब नून को इराबी साकिन कर गिर देते हैं, जाते हैं. ठीक है, नूने इराबी खत्म हो जाते गिर हैं, जाते हैं. ठीक है, और जमा मोनस के नून बाकी रहते हैं. जैसे ये यश कुरु है ना, यश कुरु, अगर हम इसके शुरू में लन लगा दें तो कैसे पढ़ेंगे इसको? लन यश करू लन. अच्छा, लई यश करू यश कुरु ही रहेगा. लई लई यश कुरा. शाबाश, लें यशपुरा. तो लें यशपुरा का माना क्या हो जाएगा? लई वो हरगिज शुक्र नहीं अदा करता, वो हरगिज शुक्र अदा नहीं. करते. नो, लई यश कुरा है ना, यश माजी है. मुस्तकबल के साथ खास होता है ना, हाँ, माजी मुस्तकबिल. माजी मुस्तकबल. मुस्तकबल के माना में तो गा गे गी के अल्फाज होते हैं ना. अच्छा, वो हरगिज शुक्र अदा नहीं करेगा, यस, तो इसका तस्निया क्या बनेगा? वो दो हरगिज शुक्र अदा नहीं नहीं बेटा, करेगा. ये लफ्ज बोल के बताइए. युश नहीं, लई लई युश नहीं, यश कुरा. शाबाश, लें यशकुरो, लें यशकुरु. ठीक है, नून का हिसाब ऐसे ही रहेगा जैसे लम के साथ होता है.
बाकी ये कुछ आयात थी। यहाँ पर देखिए, वमा कफरा सुलेमानु, अब ये फेल माजी, उससे पहले आ रहा है मा, तो ये माजी मनफी बन गया। वमा कफरा सुलेमानु, और नहीं कुफ्र किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। फिर कौल इन्नी अलमु मा ला तालमून, अभी देखिए सारे अल्फाज वही हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, है ना। कौला, उसने कहा, इन्नी बेशक मैं, आलमु शुरू में आ, अलामत मुजारे आखिर पे पेश, तो ये वाहिद मुतकलिम का सीगा, आलमु मैं जानता हूँ, मा जो ला तालमुना, अब तालमुना फेल मुजारे, उससे पहले ला आ गया, तो ये मुजारे मनफी, तुम नहीं जानते, है ना, समझ आ रही है। फिर आ लम नजअल, वैसे तो होता है ना यजअलु मुतकल्लम का सीगा नजअलु, लेकिन लम की वजह से पेश हज़्फ़ हो गया है, पेश गिर गया, खत्म हो गया, हर्फ साकिन हो गया, लम नजअल, और माजी में माना चला गया इसका, माजी मनफी में, क्या हमने नहीं बनाया, वैसे तो होता है ना नजअलु हम बनाते हैं, लेकिन लम ने माजी मनफी कर दिया इसको, क्या हमने नहीं बनाई उस लहू उसके लिए आई नहीं दो आंखें। इसी तरह फा पस लई योखलीफा, असल में क्या था, योखलीफू, लन की वजह से फा पर जबर आ गई, फलई योखलीफा, फलई योखलीफ अल्लाहु अहदहू, पस हरगिज नहीं खिलाफ करेगा, ठीक है। लन फेल मुजारे को माजी, सॉरी मनफी मुस्तकबल के साथ खास कर देता है, हरगिज, बस अल्लाह ताला हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अहदहू अपने वादे के, ठीक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आप सीख चुके होंगे, सिर्फ इसमें जो आई नहीं है ये अभी आपका रहता है सीखने वाला, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की अच्छी समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे जो स्लाइड है ना जिसपे मैंने माजी मुजारे लिखे हुए बेटा, तो उसपे आपने कम से कम एक एक गिरदाम तो लाजमी लिखे, एक माजी मनफी की लिख लें, एक मुजारे मनफी की, एक लम के साथ और एक लन के साथ, ताकि सबक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ऐसे कुराने पाक से ऐसी मिसालें भी तलाश करके ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बारकल्लाहु फीकुम अजमाईन। दुआ पढ़ लेते हैं, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।